investments. So yesterday we have discussed the velocity and acceleration in SHM. Okay, so in today's topic we are going to study the fourth law. It's a 14.6. दो तरीके का एनर्जी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग. सो 14.7
harmonic motion. So energy बोले तो क्या है? What is the energy for the particle of or as an object? Energy बोले तो शक्ति अंतर. So what is that meaning? So the capacity to do the work you can call it. Or else the sum of kinetic energy and potential energy. दो energy को add करें तो हमें ये energy मिलेगी. Okay. So if a particle is there, it has some energy means it has both energies. It should have both energy. Both energy बोले तो कौन से potential energy रहना और kinetic energy. हम यहाँ पे दोनों value find out करने के बाद हमें total energy of that particle in SHM में मिलेगा. Okay. So इसलिए हम क्या करेंगे? So in SHM the both means kinetic energy and potential energy of the particle vary from zero to maximum values. ये remember. Okay. So हम पहले क्या करेंगे? Potential और kinetic energy पहले find out करेंगे उस particle का और उसके बाद potential energy find out करेंगे. वो दोनों energy को add करें तो हमें क्या मिलेगा? Total energy of energy in simple harmonic motion. Okay, so first I'll take kinetic energy. So kinetic energy बोले तो क्या है? Definition, the energy possessed by a particle which is in motion, is called kinetic energy. So एक body motion में रहने, वो body क्या रहना? Motion में रहना. Motion में रहने के बाद उसके पास कितना energy रहेगा? एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन पर रहा, समझो रेस्ट कंडीशन पर रहा तो थोड़ा तो एनर्जी रहेगा ना, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. वो बात करेंगे. ओके, सो यहां पे एक्सप्लेनेशन. सो द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ a particle is given by chapter 6 में पढ़ते हैं आपको एक formula कहाँ से है मत पूछो. chapter 6 में आपको already मालूम है. okay, when we will discuss that we'll come to know that. so kinetic energy of particle क्या है? k is equal to c four क्या है? k so उसका formula क्या है? half m v square. okay, call the question number one. but v of t already मालूम है आपको, minus omega a sin omega t plus 5. ये value already पढ़ चुके हैं. so यहाँ पे put करो. so k is equal to half. यहाँ पे क्या बनेगा? m की capacity v square है. so minus omega a sin omega t plus 5 whole square. so half m ऐसे रख दो, इसको स्क्वायर कर लो, माइनस 2 टाइम्स बोले तो प्लस बनेगा ओमेगा स्क्वायर. ये स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है यहां पे, सो sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5. अंडरस्टूड? सो हियर k इज इक्वल टू क्या बनेगा यहां पे? हाफ m ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो ऑलरेडी प्रीवियस में पढ़े थे कि m ओमेगा स्क्वायर बोले तो क्या है वहां पे? k ले सकते हैं. सो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5. सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 2. सो वेयर k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट. हम पढ़े और ओके, सो हमें कितना मिला ये वैल्यू? दिस इज द वैल्यू कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM. ओके, सो फोर्स लॉ पढ़े हम और यहां पे क्या पढ़े? काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े. हमें अभी तक
हमें एनर्जी का वैल्यू लेना है, तो कौन सा वैल्यू फाइंड करना, पहले काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लेना और पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू को, दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिलेगा। सो एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, हम पहले काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट किए, काइनेटिक एनर्जी बोले तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हिच इज इन अ मोशन, ओके, सो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, सो वी ऑफ वी का वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, उसको स्क्वायर कर दिया, या ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू के ले लिए, सो दिस इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट ऑर्डर डिस्कस। सो इन टुमॉरोस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द पोटेंशियल एनर्जी, कल के क्लास में ये कांसेप्ट कंप्लीट होगा, ओके, इन टुमॉरोस क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस कांसेप्ट। सो वहां पे क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे पार्टिकल का, ओके, सो वो पोटेंशियल एनर्जी का एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन को और काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी मिलेगा, ओके, सो द रिमेनिंग पार्ट वी